वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ रोहटा ब्लॉक के गांव डूंगर में जमीन से जुड़े एक मामले में ग्राम प्रधान पति व खनन अधिकारी आमने सामने आ गए। एक दूसरे को देख लेने, भुगत लेने के साथ ही खुलकर गैर संसदीय डायलॉग यहां बोले गए। इसका एक ऑडियो तेजी से वायरल भी हो गया। खनन अधिकारी का कहना है कि मौके पर खनन पाया गया है, जबकि प्रधानपति का आरोप है कि उनसे 20,000 रुपए की मांग की गई थी, पूरी न करने पर झूठी रिपोर्ट लगाते हुए उन्हें जेल भेजने की धमकी दी जा रही है, जबकि वृक्षारोपण के लिए उन्होंने खुदाई की थी, मिट्टी भी पास ही ढांग लगा दी गई है। दरअसल गांव के ही शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर ग्राम प्रधान आशा द्वारा अवैध खनन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की थी। इसकी जांच के लिए 11 अगस्त को खनन अधिकारी नरेंद्र सिंह गांव पहुंचे थे। आरोप है कि खनन अधिकारी ने शिकायतकर्ता से मुलाकात तो की, लेकिन ग्राम प्रधान से उनका पक्ष भी जानने की कोशिश नहीं की और एक तरफा रिपोर्ट बनाकर भेज दी। इस रिपोर्ट में अवैध खनन होने की बात कही गई है। इस पर ग्राम प्रधान पति अरविंद सांगवान की मोबाइल पर खनन अधिकारी नरेंद्र कुमार से वार्ता हुई, सुनिए। हेलो, हाँ नरेंद्र भाई से बोल रहे? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ भाई, नमस्कार। नमस्कार भाई, ये डूंगर रोहटा ब्लॉक में आप ही देख रहे क्या? पूरा जिला है मेरे पास, बताओ। पूरा जिला ही आप पे? तो ये रोहटा ब्लॉक कौन देख रहा? मुझे क्या पता कौन देखता, आपके अंडर में होगा ना कोई। खनन का पूरा जिला है मेरे पास। अच्छा, खनन का आपके पास ही है। सात डूंगर में टीम गई थी कल जांच करने के लिए? मैं गया था आज, कल नहीं गई, आज गई है। आज गई थी? अच्छा अच्छा, तो वहाँ ग्राम पंचायत की जमीन पर कार्य कराया गया डीएम साहब के आदेश पर? आदेश लिया ना, और उसमें रिपोर्ट ये लगा दी गई, जो वो है क्या नाम है, जो ग्राम प्रधान उसका मालिक होता है ना ग्राम पंचायत की जमीन का, तो उससे भी तो पूछा जाएगा उस, उनके बगैर पर मर्जी कुछ भी लिखते हैं। रहा हूं कि जो आदेश है वो ले आना बस। नहीं, आपने कुछ भी लिख दिया कोई इसका मतलब आप दादा हो? आप प्रधान से नहीं मिलेंगे, बात नहीं करेंगे? कौन हूँ आप? मैं प्रधान है, मेरी पत्नी वहाँ। पत्नी प्रधान है? हाँ। जेल भिजवाना? क्या भिजवा दो, ठीक है ठीक है, जेल भिजवा देंगे, फोन रखो। हाँ भिजवा देना। चूतिया पंती मत करो, चूतिया पंती तुम भी ना करो। प्रधानगिरी तुम्हारी अंदर घुसेड़ दूंगा। हाँ घुसेड़ देना, रख फोन, तुम जेल भेज देना, तुम्हारी हिम्मत। इसके बाद एक और ऑडियो वायरल हुआ जिसमें अरविंद सांगवान और पूर्व प्रधान आपस में बात कर रहे हैं, वह भी सुनिए। जी प्रधान जी, राम राम। हेलो जी प्रधान जी, राम राम। राम राम जी, कहाँ रह करो, मिलते नहीं। मैं गई ना तो गाँव में था, कई दिन से फोन भी ना मिल पाया। अच्छा जी, आपसे बात करनी थी कुछ। तो बीच में लखनऊ चले गए थे दो तीन दिन। अच्छा, वहाँ रहे थे उसके बाद तो फिर। अरे भैया, यहाँ इन्होंने स्वराज को न जहाँ अपने बगीचे वाला जो ये खुद खुदाई करवाई थी ना, जोड़ी था इस किसान ने, कौन से वाली जो उसके बगीचे वाली क्या है वो खनन अधिकारी बुला रखा था आज। हाँ ये तो अभी क्या मामला लगा है वहाँ पे तो अभी क्या मामला उससे पूछी खनन अधिकारी से। क्या लगे जी प्रधान ने खनन कर तो तुम बताते ऐसे सवरा? मैंने बताई मतलब भाई ऐसे हो तो उसके लिए है शासन का आदेश है, ब्लॉक के द्वारा हुआ शासन का आदेश है, ये जो है स्कीम है गवर्नमेंट की। चला जी खनन तो करो भाई, तो मैं उसे अलग को बुला बात करी, मतलब भैया मैं भी पूर्व प्रधान हूँ और बताओ काम तो सही है वैसे, कोई होगी स्कीम? हेलो, अलग बात करी उससे जी, होंगे जी निमट जाएगा, निमट जाएगा। हाँ बताओ फिर क्या चलेंगे क्या? क्या लगे चलो देख लिए मतलब
बताओ खर्चा पानी वो बताओ से। तो कह लगे जी 20,000 रुपए दवा दियो। चलो देख लो कंबड़ थी कुछ नुका जी, चलो कंबड़ थी कर लेंगे तो कम ले नहीं। नहीं एक बात होता 10,000 रुपए भी क्यों देगा प्रधान, जब उनको गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट की योजना तय थोड़ा काम उसका कष्ट तो जानो जाते हैं। नहीं मैंने तो कहा है गवर्नमेंट की योजना है तो तभी तो उसने पूछा है वो खनन कहाँ करा रहा है। दो चार बात कही भी नहीं जी, नहीं ये तो मैं हमारा वो है नहीं इनको इनके कब्जे से छुड़वाई, इनको जो शिकायत करता इनका कब्जा था इस जमीन पे। ये भी कहा मैंने, मैं कहा भाई ये तो इनसे जबरदस्ती छुड़वाई दबो बैठे 50 साल से, 50 साल से दबा रखी थी इनको इन्होंने, ये बोरे थे उस पर ये ऐतराज करे इन्हें तो ये सोच रहे कि खनन करवा दिया। हाँ ये गवर्नमेंट की योजना है और इसमें तो इनको जी मुकदमा भी कायम जाएंगे खिलाफ उनसे शिकायत करता है। बात बताई मैंने, मैं कहा मुकदमे वगैरह भी इनका काम है, तहसीलदार साहब ने कराए हैं, एसडीएम साहब ने, तो ये तो प्रधान को काम करने से कहीं भी हो रोकने की कोशिश कर रहे हैं या उस पर मुकदमा कायम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ उस रंजिश में तो एनपी है, रंजिश में है, जबकि काम जायज हुआ है, पहले भी इनकी जमीन रब बैठे थे छुड़वाई गई है इन पर इस वजह से जो कौन है खनन अधिकारी क्या कुछ नाम आम तो पता नहीं होगा, पर नाम होगा पता नहीं मुझे। इनमें से कौन कौन थे? इनमें तो सुरेश, इसका एक दो भाई और भी था। अच्छा 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 अच्छा। तो उनको जी उनका पक्ष उन्हें बुला लो, उनको बुला लेते हैं उनको। कई दिन तक प्रधान को फिर तुम सूचना करते या मिल करते, वहाँ यहाँ नहीं बुलाया तो वहाँ मिल करते, ड्राइवर तो गाँव में ही है वो। चले गए निकल गए ना, मैं आ जाऊँ। हाँ ना ना निकल गए थे। अच्छा 20,000 रुपए मांग रहा। 20 कह रहा था, फिर निकलेंगे कुछ कर लेंगे कंबड़ती, उनका कुछ कर लेंगे कंबड़ती, मगर चलो मिलेंगे जैसे जो चलो करेंगे। तो ब्लॉक से अधिकारी और डीएम साहब की सीडीओ साहब सबकी नॉलेज है, उनके द्वारा हो रहा कार्य तो चलो चलो। हाँ जो गवर्नमेंट स्कीम है तो इसमें क्या करेगा, हमारा कोई पर्सनल कार्य तो है नहीं, हम पैसे देंगे भाई। सही बात, यदि हम ऐसे पैसे देंगे तो फिर तो कर ली प्रधान नहीं हमने। हाँ इस संबंध में बात करेंगे सीडीओ साहब से करेंगे, डीएम साहब से करेंगे। मिलो हाँ डीएम साहब से सीडीओ साहब से, तो छुट्टी कई दिन इसके बाद ही मिलेंगे। ठीक है छुट्टी के बाद में, तो 13-14-12 छुट्टी है, छुट्टी के बाद में फिर ये भी पता चलेगा क्या कार्रवाई करता है। हाँ तो पहले तो कार्रवाई का देख ले क्या करेगा, काटते सही बात निकाल लो इसका पता। हाँ हाँ ठीक है भाई करते हैं। अच्छा प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते। इस बारे में फर्स्ट बाइट ने खनन अधिकारी नरेंद्र कुमार से वार्ता की, देखिए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं यहाँ खनन देख रहा हूँ और जनपद मेरठ का पूरा क्षेत्र मेरे पास है और खनन में कोई यहाँ अधिकारी है नहीं। क्या प्रकरण है? ये हमारे पास एक मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायतकर्ता शिवराज सिंह थे और उन्होंने ग्राम डूगर में शिकायत करी थी कि जो शमशान की भूमि है सरकारी उसमें अवैध खनन किया गया है और जो अवैध खनन किया गया है वो प्रधान पति और बबलू हैं, वो दो तीन लोग हैं उन्होंने किया है। उसी के क्रम में ही हमने जांच करी थी और जांच में मौके पर कुछ खनन भी मिला है और बाकी इसकी जांच तहसील से हम करा रहे हैं कि किसके ये ज़मीन है, काश्तकार की या सरकारी की है, वो तहसील से रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। वैसे खनन हुआ है ये वहाँ मौके पर जाकर देख भी सकते हैं। इस पूरे प्रकरण में एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप दोनों ही बहुत गहमा गहमी में और एक दूसरे को देख लेना रुपत लेने के लिए, वो क्या नाम है? एक्चुअली इन्होंने मेरे पास ना कितने फ़ोन करवाए हैं शोर सिफारिश के लिए, एक एक दिन में 50-50 फ़ोन, तो आदमी खुद ही मेंटल रूप से डिस्टर्ब हो जाता है और फिर बार बार एक ही चीज़ पूछना कि ऑफिस किधर है, मिलना चाह रहा हूँ। जब आपने मान लो कुछ गलत नहीं किया है और ये परमिशन का भी जिक्र कर रहे थे तो परमिशन अभी तक नहीं लाई है और जहाँ तक गलत वर्डिंग का सवाल है तो एक इन्होंने मुझसे पहले ही गलत वर्डिंग स्टार्ट करी थी, तो मैं पहले ही ऑलरेडी इतने फ़ोन ये करवा चुके हैं, उससे मेंटल डिस्टर्ब था इसलिए मुझे भाषा मेरी चेंज हुई है। क्या वो सही है? नहीं मेरी भाषा ये है कि मान लो मेंटल रूप से हम डिस्टर्ब हैं तो भाषा ऑटोमेटिकली थोड़ी चेंज है। आरोप ये भी लगाते हैं कि आप वहाँ जांच के लिए गए थे तो जो जिस व्यक्ति ने जो प्रधान
ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप है, तो एटलीस्ट उससे भी मिलना चाहिए था, उसका भी पक्ष लेना चाहिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, हमारा ये मानना है कि जो शिकायत करता है मोस्टली अनुमत शिकायत करता है कि उपस्थिति नहीं जाँच कराते हैं। अब जिसका नाम आ रहा है, मान लो प्रधान है या प्रधान को कोई मिलने वाला है, तो उसकी जाँच हम तहसील स्तर से कराते हैं, जब हम डाटा वेरीफाई कराते हैं ये प्रकरण की स्पष्ट रूप से जाँच करके हमारे यहाँ रिपोर्ट प्रस्तुत है, जिससे कि नियमानुसार आगे कार्रवाई की जा सके। आप घटनास्थल पर गए, ग्राम प्रधान से नहीं मिले? नहीं, मैं शिकायत करता की उपस्थिति में, और वैसे भी मैं ये सुनने में आया कि प्रधान जो है शायद उनके साथ सारे इनके हस्बैंडी करते हैं अरविंद साहब, लेकिन आप उनसे नहीं मिले? नहीं, मेरे तो मोस्टली शिकायतकर्ता जो है उनकी उपस्थिति में जाँचते, बाकी किसने किया किसने नहीं ये तहसील से आने पर ही। हाँ, इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए firstbite.tv, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।